विशुद्ध प्लास्टिक क्या होता है? पानी में अघुलनशील और रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है, इसलिए प्लास्टिक अपने शुद्ध रूप से कम जहरीला होता है, लेकिन हम विशुद्ध प्लास्टिक का जो उपयोग है वो कम करते हैं। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत की दृष्टि से भारत की स्थिति चिंताजनक क्यों? प्रति व्यक्ति प्लास्टिक से सीधा संबंध यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि उसकी सकल राष्ट्रीय आय से जो देश जितना अधिक संपन्न होता है वहां पर प्लास्टिक की खपत उतनी ही ज्यादा अधिक होती है। भारत में इसकी खपत जो है वो 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की तरफ से है, लेकिन खपत के अकॉर्डिंग 15% की दर से ये हर साल बढ़ रही है, इसलिए भारत की स्थिति क्या है चिंताजनक हो गई। सभी को ये पाठ के प्रश्नोत्तर समझ में आए? समझ में आया आप लोगों को? ओके, पार्ट से आगे मैं आपको बता रहा है कि आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप बताएं कि कब कब हम हमारा प्लास्टिक के बिना हमारा जीवन मतलब बिना काम चल सकता और कब नहीं। जैसे बहुत सी चीजें जैसे शैम्पू के शीशे हैं, दाल चावल बिस्किट के पैकेट हैं, अन्य पदार्थों की खुरदरा पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। इसको हम पूरी तरह से हटा सकते हैं और इसकी जगह पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री जैसे कि जूट है, कपड़ा है, कॉटन है, चमड़ा है आदि से चलन लाने वाली वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। छटाई और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में काफी हद तक उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, मौसमी स्तर पर मौसमी पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर प्लास्टिक वाकई बहुत जरूरी है जैसे कि आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्लास्टिक के डिस्पोजल सिरिंज, कैथेटर, क्रमिक कार्निया, श्रवण यंत्र, कैप्सूल आदि के आवरण बनाए थे। इसके लिए ऐसा कोई वैकल्पिक पदार्थ नहीं है जो सस्ता और प्रभावी हो। यदि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाए तो आप किस तरह से इस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? यदि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा तो जो सबसे आवश्यक स्वास्थ्य सेवा है के क्षेत्र में क्या होगा, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी, क्योंकि प्लास्टिक से डिस्पोजल सिरिंज, कैथेटर, कृत्रिम कॉर्निया, श्रवण यंत्र वगैरह ये सब इसके कैप्सूल के आवरण बनाए जाते हैं और इसके लिए कोई वैकल्पिक माध्यम और है नहीं, क्योंकि प्लास्टिक इससे प्रभावी और सस्ता कोई है नहीं। शैम्पू शीशे के शीशे दाल चावल आदि को तो हम जूट, कपड़ा और कॉटन के थैलों की आवश्यकता होगी जो कि प्लास्टिक से कई अधिक महंगे होते हैं। उसमें प्लास्टिक के खतरे को देखते हुए यदि आपको प्लास्टिक के इस्तेमाल की वजह कोई अन्य विकल्प सुलझाने के लिए होंगे तो क्या वो क्या क्या विकल्प होंगे? तो प्लास्टिक के खतरों को देखकर अन्य विकल्प जैसे कपड़े से बने थैलियां, कागज से बनी थैलियां, चमड़े के बैग, जूट आदि से बनी थैलियां और कॉटन आदि की थैलियां। प्लास्टिक की जगह उपरोक्त वस्तुओं से बनी थैलियों से काम चला सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, यदि प्लास्टिक के अंदाजों इस्तेमाल को नहीं रोका जाए तो भविष्य में इंसान को इससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? प्लास्टिक का हम सभी जानते हैं कि डिकम्पोज नहीं होती, जब अपघटन इसका नहीं होता है। जब अपघटित होती है तो बहुत ज्यादा जहरीले रसायन को छोड़ती है जो हमारे जमीन, झीले, नदियां और तालाबों को प्रदूषित कर देती है। यह जमीन के भीतर रस पर घूमित कर जब जाता है तो भूमिगत पानी को भी खराब कर देती है। प्लास्टिक से समुद्री जीव की 267 प्रजातियां जो है वो कचरे पर असर होने से क्या चुके मर चुके हैं। अनेक पशु जैसे बकरी, गाय, हिरणों के हाथों में जब प्लास्टिक फंस जाता है तो वो बेमौत मर जाते हैं। पानी में बहते, हवा में उड़ते, सूरज के ताप के असर से भी क्या होता है, प्लास्टिक के साथ बहुत ही सूक्ष्म कण जो होते हैं उपलब्ध करने छोटे जीवों में पहुंच जाते हैं, जो बड़े जीव जिनको निकल लेते हैं तो निश्चित ही छोटे जीवों को निकल दिया जाता है। तो निश्चित रूप से प्लास्टिक खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं और बहुत ही घातक दुष्परिणाम देते हैं। प्लास्टिक कचरे के सही निस्तारण के लिए आप क्या सुझाव देंगे? प्लास्टिक कचरे को एक जगह एकत्रित करके उसे जला देना चाहिए या रिसाइकल करने से प्लास्टिक की कुर्सी आदि बनाई जाती है, इसका उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए। इस पाठ के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं? इस पाठ के जो शीर्षक है, चमत्कारिक पदार्थ प्लास्टिक, जहरीला प्लास्टिक, भविष्य का संकट प्लास्टिक, ये बहुत सारे इसके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पाठ का अभ्यास कार्य जो है वो इतना ही था। इसके बाद आपको उस भाषा के बारे में छोटी छोटी चीजें दी गई है, जैसे कुछ कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं कि इसमें जो ऐसे शब्द नए नए शब्द आपको जो लग रहे होंगे उनका आपको अर्थ बताना है। जैसे कि जैव अपघटन, इसका क्या अर्थ होता है? स्वाभाविक रूप से सड़ना, प्रतिरोधी, अवरोधक का काम करने वाला। मिश्रण, दो पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए तो मिश्रण होता है। कुचालक, जो कि अवरोध उत्पन्न करता है। पारदर्शी, जिसको मार पार देख सकते हैं। विशुद्ध, जो कि शुद्ध शुद्ध
कार्बोनेट जैसे कि CO3 है जिसको कार्बन ट्राइऑक्साइड बोले जाते हैं। आनुवंशिकी मतलब किसी भी जीन से संबंधित या वंशानुसार होता है, उत्सर्जित मतलब निकला हुआ। उसके बाद पाठ की अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित शब्द आए हुए हैं जैसे कि यहाँ पर गार्बेज, रिसाइकल, वाटरप्रूफ, टेट्रापैक, पैकेजिंग रैपर, एडिटिव पीवीसी, ड्रेनेज सिस्टम आदि। गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कचरा, रिसाइकल पुनर्चक्रण, वाटरप्रूफ बरसाती, टेट्रापैक गत्ते का एक छोटा सा डिब्बा, पैकेजिंग रैपर पैक करने की सामग्री, एडिटिव मतलब योज्य, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड और ड्रेनेज सिस्टम मतलब जल निकासी। ठीक है, तो इस पार्ट में आज इतना ही है। इसके बाद अगला पार्ट जो है हम उसे नेक्स्ट डे करेंगे। अगला पार्ट जो है वो आपका है विकसित भारत का स्वप्न, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखित लिखा हुआ है ये, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, किसी को और कोई डाउट है प्रश्नोत्तर में किसी में भी? किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो हम मीटिंग लीव कर रहे हैं।